जनता उस कैंडिडेट को जिताए जो जीत के आए और सिर्फ उनके हित के लिए आए, उनके काम के लिए आए, ना कि अपने घर में बैठने के लिए आए या पोस्ट के लिए आए। यहाँ पे कोई मेंटेन करने के लिए नहीं है, हम कुछ पैसे देके क्लीन करवाते हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए कोई भी नहीं आता, सफाई वाले भी नहीं आती, सीवर साफ करने वाले भी नहीं आते, कई कई दिन लग जाते हैं उनको बुलाने में। जब वोट लेने आते हैं तब आएंगे और वादे करके चले जाएंगे। कई बार कितनी बार ये बारिश होती है, हम मोटर का पानी मोटर ऑन करते पानी आता है, काला शाह पानी आता है। कंप्लेंट किए तो वो कहते हैं हम आ रहे आते आते उनके हफ्ते महीने लग जाते हैं, 10 बार जाने पड़ते हैं हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई देखने वाले नहीं है गली में। आगे बरसातें आनी है, डेंगू होगा, तो कौन जिम्मेदार है इसका, आप बताइए। जब कई कई दिन के बाद आएंगे सफाई करने तो यहाँ पे रख देंगे, इधर रख देंगे और उठाना आएंगे कई कई दिन बाद, इतना गंद मचा रखा है, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं शिका, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय हम मौजूद हैं शकुरपुर विधानसभा के रानीबाग क्षेत्र में, जहां पर आज हम पूरी असलियत आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि यहां की निगम पार्षद वंदना जेटली ने कितने विकास के कार्यों को यहां पर अंजाम दिया है। पूरी हकीकत आज हम आपको जमीन स्तर पर यहाँ पर दिखाने वाले हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर कितने विकास के कार्य किए गए हैं हमारी निगम पार्षद वंदना जेटली के द्वारा। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तृप्ता है। यहाँ के निगम पार्षद ने आज तक कितना काम किया है वो बताइए। हमारी गली का कितने बिल्कुल कोई काम नहीं करा उन्होंने। सतेंद्र जैन को भी हमने बोला था कि हमारी ये गली बनवा दो, और उन्होंने 2016 च मैं बोल के आई थी, एप्लीकेशन दी थी, 200 बंदे के साइन करे थे गली के, और सारे गली वाले गए थे, लेकिन कहते थे बना देंगे, लेकिन उन्होंने कोई नई इंक्वायरी करी। तो फिर वंदना जी आई और वंदना जी को बोल के गए, और वंदना जी भी आई है, एक दिन आई है तो उन्होंने कहते देख खड्डा लगा था खुद आप गिर गई, फिर कहती कोई बात नहीं, मैं अब लेबर को भेजती हूँ और रिपेयरिंग करवा देती हूँ। फिर उन्होंने एक रेड़ी बद्रकपुर की भेजी, एक सीमेंट की भेजी, और सार रिपेयरिंग करवा दी। हमने कहा मैडम इतने साल हो गए, 17 साल हो गए हमारी गली बनी को, कोई वो नहीं हुई कार्रवाई। और फिर उन्होंने रिपेयरिंग करके, रिपेयरिंग से क्या होगा, और फिर चूहे ने इतने मोटे मोटे वो कर रखे, खुद छेद कर रखे हैं, सारी गली जड़ी नहीं है, पोलियाँ हो गई हैं। हम तो 200 बंदे के साइन करवा के एप्लीकेशन दे के ये देखो, ये सतेंद्र जैन जी को दी हमने, और ये वंदना जी को दी हमने, और हमारी गली का उद्घाटन करा उन्होंने अक्टूबर च गलियाँ बनती थी, उद्घाटन करा था मैंने खुद करा था उद्घाटन, और जाके हमारी गली का उद्घाटन करा कर बना दी सामने वाली गली, और इसका शो कर दिया कि हमने बना दी है। वो पैसा कहाँ गया? बाकी सारे गली वाले खड़े, इनसे पूछो भी क्या क्या बनी है कि नहीं बनाई। इधर गली में जब बरसात आती सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। कंप्लेंट आपने कितनी बार करी है इस चीज़? हम तो 5 दफे चले गए कंप्लेंट करने, कभी कोई सुनता है क्या? हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। हम 5 बार चले गए, सारी लेडीज से इकट्ठे होके जेंट्सों को भी लेके गए हैं, और साइन भी करा लिए, कोई होता ही नहीं है हमारे लिए सुनने के लिए कि हमारी गली सबसे ज्यादा खराब रहती है, फिर कोई आता ही नहीं है इसमें देखने के लिए। निगम पार्षद कभी नहीं आई यहाँ पर आपकी गली देखने? कभी आया ही नहीं है। आए जब हम जाके कई बार चले गए, जब जाके तो आके जरा जरा सा सही कर गए बस। अब जेंट्स कहाँ से लाए हम, जब काम पे नहीं जाए क्या, इसी गली के चक्कर में बैठे रहे क्या? मगर लोग है ही नहीं कोई ऐसा करने वाला। क्या क्या समस्या है यहाँ पे गली की? सारी समस्या है, हालत खुद देख सकते हो बेटा, आप देखो, आप हालत खुद देखो, आगे जाके देखो, आगे चलो। आप 10 से 15 साल हो गए, आगे आप चलो। 10 से 15 साल हो गया, अब तक गली बनी नहीं है। 2004 से 5 तक बनी थी, अब तक बनी नहीं है। लोगों ने होजिया तक बना दिया, एक बार आप देखो, और सीवर खुले हो रखी है, एक बार आप देख सकते हैं। सीवर की जब कंप्लेन करने जाते हैं तो कई कई दिन के बाद आते हैं कंप्लेन के लिए भी, वो कहते हैं आ रहे हैं चलो, कोई वो है भाई, इतना गंद मचा पड़ा है, कभी तो सफाई अच्छे से होनी चाहिए, सफाई होती नहीं है। कितनी बार हमारी गली में चोरियां हुई है, स्मैकिया आते हैं, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं टू व्हीलर उसकी गद्दियां फाड़ देते हैं। हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है, हो सके तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की लगवाई जाए, हो सके तो CCTV कैमरा भी लगवाया जाए, ताकि पता चले कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है कि निगम पार्षद इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे? नो मैम, अगर ध्यान दे रहे होते तो अभी 10 से 15 साल हो गए, अब तक कुछ भी नहीं हुआ A to Z। अब CCTV तो छोड़िए, गली तक नहीं बनी हमारे यहाँ पे,
जो मेन मतलब पिछले 5 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया। नो मैम नो, यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैम। जो मेन एसेंशियल चीज है सड़क, वो तक नहीं बनी, सीवर लाइन लोगों ने बाहर निकाल दिया है, उसका मैं क्या बोलूं आप बताइए। यहाँ आप देख सकते हैं जानवर यहाँ पर मरे पड़े हैं गली में, लोगों के घर के बाहर, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे कोई भी निगम पार्षद या एमसीटी का कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता है ये सब देखने। ये आप देख सकते हैं पूरी हालत यहाँ की, गली निकलना मुश्किल हो रहा है, क्यों इतना कूड़ा हो रहा है इस गली में। हाँ। से ये कूड़ा जमा है यहाँ पर, इसको काफी दिन होगा, 2 महीना होगा कम से कम। हाँ, 2 महीने से इतना ही जमा हुआ पड़ा है कूड़ा यहाँ पे, और कोई बोलते तो कोई सुनवाई नहीं करता। दिक्कत मेरे को होती है, मैं प्रेस करती हूँ तो मैं क्यों, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। पीछे गली में मैडम बहुत मतलब कूड़ा है, और जो भी लोग आते हैं उसी पे कूड़ा डालते चले जा रहे हैं। बहुत बार सब लोगों को कहा है लेकिन कोई मानता ही नहीं है। पानी सीवर का बह रहा है, उसकी वजह से बड़े मच्छर और मतलब गंदगी बदबू वगैरह आती है, बड़ी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर निगम पार्षद की ओर से कोई काम किए गए हैं 5 साल के कार्यकाल? कम से कम पीछे तो कम से कम 6 महीने हो गए हैं, गली का ऐसा ही है, और पानी भी इतना पीने वाला गंदा आता है कि जैसे लैट्रिन की बदबू आती है उसके अंदर, बड़े परेशान हैं हम लोग। तो कम से कम 6 महीने से दूसरा पानी लेके पी रहे हैं। सीवर को लेके थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि पानी जैसे ही थोड़ा सा भी आता है तो इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा मंदिर है, लोग यहाँ पे जल चढ़ाते हैं, बट वो जल भी पूरी तरह नहीं जा पाता है। हाँ वी नो कि यहाँ पर लोग दाल आटा या कुछ चढ़ाते हैं, तो हमें थोड़ा बेटर पाइपलाइन चाहिए, थोड़ी चौड़ी वाली। यहाँ पे 4-4 इंच की पाइपलाइन है जिससे पानी गटर में नहीं जाता है, तो हमें 6 इंच की मिनिमम पाइपलाइन चाहिए जो हम चाहते हैं कि गटर तक पहुँच जाए, और पूरी गली का पानी भी आता है पीछे से, ठीक है। और रेन वाटर हम कहीं और भेज नहीं सकते, ऑब्वियसली बात है, तो रेन वाटर भी यहीं से उतरता है, ठीक है। बट जो भी निगम पार्षद आता है वो कहते हैं हम सिर्फ गटर साफ करेंगे, ये वाले एमसीडी वाले आके साफ करेंगे। अब एमसीडी वाले कब आते हैं कैसे आते हैं वो हमें नहीं पता, हम कंप्लेंट करवाते हैं, दे डोंट कम ऑन दैट स्पॉट, बट पानी वहाँ पे इकट्ठा रहता है, तो मच्छर की प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम या कोई और बीमारी भी फैल सकती है गली में। मैं श्रीमती वीना शर्मा शकूर बस्ती विधानसभा से हूँ। पुरानी मैं जो है पीछे त्रिनगर विधानसभा अध्यक्ष रह चुकी हूँ, लेकिन ये पार्टी मैंने छोड़ करके अभी एनसीपी ज्वाइन की है, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। हमारी यहाँ की महिलाएं जो आज सर्वे पे जाती हैं, मैं खुद भी सर्वे पे जाती हूँ, तो जनता के बीच में जाने के बाद हमें पता चलता है कि जनता बहुत परेशान है। गली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह गलियाँ टूटी पड़ी हैं, उसके बावजूद जो है गलियों में पानी भर जल भराव इतना रहता था बरसातों के दिनों में कि लोग यहाँ तक कि मेन मार्केट तक में पानी भरा रहता था। बीजेपी के निगम पार्षद जो यहाँ की वंदना जेटली जी हैं, जो यहाँ से 5 साल से काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हुआ। जनता परेशान है, काफ़ी नाराज़ भी है। आज जनता से बात करो तो वो कहती हैं हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो जनता के लिए काम करे, और यहाँ की विधान निगम पार्षद तो आज तक हमारे बीच में आई नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं कि आपको क्या परेशानी है। लोगों के वोटर कार्ड नहीं बन रहे हैं, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, लोगों के जो है सिम कार्ड जो कि इन्हीं की पार्टी ने बनाए हैं, लेबर कार्ड, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। आज हमारे पास ऑफिस में लोग आते हैं, हम लोग उनके कार्य कर रहे हैं, और जनता को इस चीज़ से संतुष्टि है कि चलो कोई बात नहीं, निगम पार्षद नहीं कर रही, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में मैं श्रीमती वीना शर्मा जनता के काम कर रही हूँ और उनके बीच में जाती हूँ, उनकी सुनवाई करती हूँ। तो ये पूरी हकीकत लोगों ने अपनी जुबानी खुद ही हमें बताई कि जिस तरह यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, जिस तरह यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं निगम पार्षद वंदना जेटली अपने कार्यकाल में फेल होती दिख रही हैं, और साथ ही लोगों का कहना है कि वो नए उम्मीदवारों से उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे और अपने इस क्षेत्र को सुधार पाएंगे। जितने भी दर्शक इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूँगी अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई समस्या है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी पूरी समस्या, अपने क्षेत्र के साथ विधानसभा के साथ यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके क्षेत्र की भी आवाज़ उठा सकें। मैं इशिका, झलको दिल्ली।